तो ये इसका जैसे 40 से ऊपर आएगा तो ये इसका मतलब क्योंकि वेरिएट करेगा तो ये वेरिएशन बढ़ता जाता है, रेडिएशन कभी कम कभी ज़्यादा, और जब कॉल आएगी तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब 200-300 तक पहुँच जाएगा, वो भी हम करके देखेंगे अभी। हेलो गाइस, वेलकम टू दिल्ली टूर्स। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें। ये जो बुक देख रहे हैं आप, ये जो डायरी है और इसमें पेजेस भी हैं, और इसके साथ साथ ये जो आप देख रहे हैं ये शादी का कार्ड है, और ये सारी चीज़ें जो बनी हुई है वो गाय के गोबर से बनी हुई है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, गाय के गोबर से बनी हुई है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पीछे, आप देख सकते हैं जितने भी आइटम्स आप देख रहे हैं, पेंसिल है या फिर डायरी है, कार्ड होल्डर है, ये सारे आइटम्स गाय के गोबर से बनी हुई है। तो इसी के बारे में है ये टोटल वीडियो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें देख कर आप बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स जो हैं यहाँ पे वो गाय के गोबर से बनी हुई है। तो चलिए जल्दी से ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। कार्ड आप ये देखिए, ये एक पहला कार्ड है, ये डिटेल्स आप देख सकते होंगे इस पर। और जो दूसरा कार्ड है वो ये है, आप ऑनलाइन बाई कर सकते हैं। मेरे साथ हैं, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह, वीरेंद्र जी एक स्टॉल दिखाया मुझे, आपने बता रहे हैं कि गाय के गोबर से बना हुआ जितने भी आइटम्स हैं वो रखा हुआ है आप लोगों ने, तो कुछ बताइए इसके बारे में, क्योंकि ये एक यूनिक चीज़ है, इससे पहले मुझे ये ऐसा कुछ मालूम नहीं था, तो अब कुछ एजुकेट कीजिए मुझे इसके बारे में। जी देखिए, राजीव दीक्षित जी के विचारों से प्रेरित होकर हमारे साथी हैं जो जिनके साथ मिलकर हमने ये काम शुरू किया है। हम इसको प्रमोट करते हैं, लेकिन वास्तविकता में जयपुर में हमारे एक मित्र हैं जिनकी प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है, तो बहुत समर्पित है राष्ट्र के लिए। तो उन्होंने कहा कि पेड़ जो नष्ट हो रहे हैं उनका सबसे बड़ा एक कारण हो रहा है कि कागज़ के लिए हम करते हैं। सही बात है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम शादियों में एनवलप देते हैं किसी को, लिफाफे देते हैं, शादी के कार्ड छपवाते हैं, डायरीज जैसे डायरी वगैरह सब हैं, ये सब हम देते हैं, तो इसके लिए पेड़ काटने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल, हम वही करते हैं। एक तो गाय हमारी जो सड़कों के बिल्कुल आवारा घूम रही है, उनके गाय के गोबर की ज़्यादा महत्व करके इस प्रकार के उत्पाद बनाए जाएं, अच्छा, तो वो गाय सड़कों से हटेगी और पेड़ कटने से बचेंगे। तो ये बहुत ये दर्शिता के साथ ये सोच जो है, ये सोच के साथ ये हमारे साथी हैं, तो ये भीमराज शर्मा जी, उन्होंने भीमराज शर्मा जी हैं जयपुर में, उनकी गौकृति के नाम से जो है ये पूरा है इस व्यवस्था। तो दिल्ली और NCR में हम इसको प्रमोट करते हैं कि उनके इस विचार को हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। कुछ कार्यकर्ता हैं जो इसमें हमारे लगे हुए हैं। अच्छा, तो हम राजीव दीक्षित जी के विचारों का प्रचार पूरे देश में करते हैं इसी विषय। ये तो काफ़ी यूनिक सच आइटम है, मतलब कि मैंने कभी देखिए गौमाता, आप देखेंगे तो जो गौमाता है हमारी गाय, जिसके विषय पे पूरी राजनीति जो है वो लोग करते हैं, लेकिन गाय जो है राजनीति से संबंधित नहीं है। बिल्कुल सही बात है। गाय जो है वो हर किसी के लिए, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, सबके लिए पहले उनके आर्थिक एक जीविका चलाने का साधन थी। हाँ, अंग्रेजों के समय भी बिल्कुल, तो उसको अंग्रेजों ने जो है जबरदस्ती जो है हमारे एक दूसरे के धर्म के से उसे जोड़कर ज्यादा लंबे समय तक राज करने के लिए आपस में हमें दुश्मन बनाया, लेकिन वास्तविकता में आज भी जो है लोग गाय से जीविका कमाते हैं। बिल्कुल सही, तो हमें इस बात का ध्यान रखते हुए इस विषय को जो है हमने आगे लेकर आए हैं एक अलग तरीके से। तो ये ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं, तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो जो आने वाली पीढ़ी है हम उसके लिए भी काम करते हैं। अच्छा, तो आने वाली जनरेशन हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। उसके लिए हम एक जो स्वर्ण प्राशन 3000 साल पहले जो कश्यप ऋषि थे, वो पेडियाट्रिक्स थे, मतलब पहले चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उनके द्वारा एक स्वर्ण प्राशन का जो है वो व्यवस्था की गई थी। तो जिस ये पूरा का पूरा व्यवस्था, जैसे पेड़ हमें बचाने हैं, ठीक है, तो आने वाली पीढ़ी के लिए बचाने हैं। बिल्कुल सही, जैसे हमारे पूर्वजों ने बचाए, बिल्कुल उस आने वाली पीढ़ी के लिए बचाने तो है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को भी तो बचाना है। ये वो बीमारी से जो है वो बीमार पड़ती जा रही है, डॉक्टरों के चंगुल में फंस रहे हैं, तो उस आने वाली पीढ़ी को भी बचाने के लिए हमारे पास व्यवस्था है कि ये स्वर्ण राशन आज पुष्य नक्षत्र है। वो पुष्य नक्षत्र के कारण क्या है कि आज ये स्वर्ण प्राशन जो है, ये स्वर्ण प्राशन जो है ये स्वर्ण भस्म के साथ बनाया जाता है। ओके, तो ये गुजरात के कुछ संत हैं जिन्होंने इसको जो है स्वर्ण के जो कॉस्ट है वो बहुत महंगी पड़ती है सोना, लेकिन फिर भी कुछ धनवान लोगों से दान लेकर स्वर्ण भस्म का कोई कॉस्ट नहीं लिया जा रहा, इसमें बाकी जो औषधियां हैं वो आपको मिलाई जा रही है। तो ये एक तरह से आयुर्वेदिक टीकाकरण है। ओके, तो आयुर्वेदिक टीकाकरण जो है बच्चों को जो ये टीकों के दुष्प्रभाव हैं उससे भी बचाता है, ब्रेन भी डेवलप करता है, फिजिकल डेवलपमेंट सब कुछ काम में बहुत अच्छा काम करता है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है कोई साइड, ये 3000 साल पुराना फॉर्मूला है।
कश्यप ऋषि के द्वारा। तो ये कैसे मतलब देना होता है? ये बच्चों को जैसे ड्रॉप पिलानी होती है आयु के हिसाब से लिखा हुआ है। एक मंत्र लिखा हुआ है, ओम भूत्वै दधामि ओम भूवत्वै दधामि ओम स्वहत्वै दधामि ओम भू भूव स्वहत्वै दधामि। ये मंत्र बोलिए अपने बच्चों को, जो है डेली दे सकते हैं तो डेली दीजिए तो बहुत बढ़िया प्रभाव है। नहीं दे सकते तो पुष्य नक्षत्र पे ये दीजिए, जैसे आज पुष्य नक्षत्र है संजोग से, ठीक है। तो ऐसा जो है मतलब कि कितने इंटरवल पर देना होता है जनरली? ये वैसे रोज देना होता है अगर दे सके, नहीं तो अगर नहीं दे सकता तो हर महीने में एक बार आता है पुष्य नक्षत्र, ठीक है। और भी कई सारे आइटम्स दिख रहे हैं ये इसमें गाय के ही जो है, इसे गोबर हो गया, ये गाय के ही जो नाक में डालने के लिए और नाभि में डालने के लिए, जैसे आजकल सबकी नेवल डिस्प्लेसमेंट की वजह से बहुत दिक्कतें होती हैं, तो उस नाभि को ठीक करने के लिए गाय के घी से और कई औषधियों से बना हुआ सामान है। और ये जो है ये नाक में डालने के, किसी को नींद नहीं आती है, किसी को खरांटे आते हैं, डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, बहुत सारी दिक्कतें, सर दर्द, माइग्रेन, ये सब गाय के घी और प्लस कुछ औषधियों के साथ मिलकर ये बनाया जाता है। जितने भी प्रोडक्ट आप दिखा रहे हैं कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है? ना नहीं, बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ये जिन बच्चों को टीका लग गया है, अच्छा, जिन बच्चों को टीके लग गए हैं वो उन बच्चों के लिए उनके शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव करने के लिए ये अमृत प्राशन है। इसमें रजत भस्म है, स्वर्ण भस्म भी रजत भस्म है, तो ये भी पुराना बहुत फॉर्मूला है, 3000 साल पुराना। और ये काजल है, अच्छा, ये काजल जो है ये गाय के शुद्ध देसी घी से बनी हुई है, ये हम जो है लोगों को देते हैं क्योंकि बच्चों को काजल लगाना लोगों ने छोड़ दिया है। तो काजल लगेगा तो अगर यदि हमको भी काजल ये लगाया जाता, मैं भी लगाता हूँ ये, तो मेरे भी चश्मे का नंबर धीरे धीरे कम हो रहा है, कम होता है। हाँ, अच्छा, तो ये काजल लगाना बहुत जरूरी है। काजल लोगों को शर्म मानते हैं काजल लगाना, लेकिन ये काजल यदि बच्चों को बचपन से लगाई जाए तो कभी उनको चश्मा नहीं लगेगा। बहुत सही बात, तो हमें पता लगा है, तो ये आने वाली पीढ़ी को भी बचाना है और आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचाना है, ठीक है। तो ये हमारा संदेश है, थैंक यू सो मच। दिख रहे हैं ये क्या है? ये एनवेलप है। अच्छा, ये एनवेलप है और ये सेम वही गाय के गोबर से बना हुआ है ये सब कुछ। और क्या प्राइस है ये जो जनरली हम इस्तेमाल करते हैं? एनवेलप का है। अच्छा, ये शादी का कार्ड है? हाँ, ये शादी का कार्ड है। एनवेलप बहुत अच्छा है जो हम जनरली यूज कर सकते हैं। एनवेलप कहाँ पे? शादी का एनवेलप, ये अच्छी रहा। ये क्या प्राइसिंग है इसकी? हाँ, 100 रुपीज़ का ये पूरा 10 पैक है। और ये देखिए मैग्नेट। अच्छा, ये मैग्नेट है जो फ्रिज में लगाते हैं। अच्छा, एंड ये पेंसिल। क्या बात है, पेंसिल लगा के है मार्केट में। क्या प्राइसिंग किया है इसकी? ये 30 रुपीज़। ये 30 रुपीज़ का है। और ये 50 रुपीज़। विजिटिंग कार्ड होल्डर। अच्छा, हाँ, कार्ड होल्डर, सो क्यूट। क्या प्राइसेस की? ये 60। और कुछ भी अगर बाई करना चाहें तो ऑनलाइन बाई कर सकते हैं, वहाँ जाके सारी चीज़ें मिल जाएंगी। डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाएं, आप अपने चैनल पे दिखा सकते हैं, अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग आपको रेडिएशन का एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे, रेडिएशन मीटर से ये गाय का गोबर जो है ये रेडिएशन को कैसे रोकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फोन को यूज करते हैं, अभी ये फोन आ नहीं रहा, लेकिन अभी भी इसके अंदर जो है एक रेडिएशन लेवल 40 से ऊपर जब भी रेडिएशन लेवल होगा वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक है। ठीक है, तो अब देखिए आप ये जब यहाँ चला जाता है तो ये इसका जैसे 40 से ऊपर आएगा तो ये इसका मतलब क्योंकि वेरिएट करेगा तो ये वेरिएशन बढ़ता जाता है, रेडिएशन कभी कम कभी ज्यादा, और जब कॉल आएगी तो बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब 200-300 तक पहुंच जाएगा, वो भी हम करके देखेंगे अभी। ये देखिए अब ये 257 412 तक रेडिएशन आ गया, ठीक है। अब ये नहीं, चिप लेके आओ, ठीक है, ये आ गया। अब देखो हम इसमें गाय के गोबर की एक स्ट्रिप लगा रहे हैं, देसी गाय के गोबर की, लगा दो इसके बीच में, लगा दो इसमें, ये रेडिएशन रोक दिया। अच्छा, सही है, धीरे धीरे 01 पे भी ले आया। और इसी तरह से आपके घर में जितने भी मीटर्स स्विच बोर्ड्स होते हैं, स्विच बोर्ड से कम 3-4 फुट तक आपको वेरिएशन मिलता है उसके अंदर। अच्छा, इलेक्ट्रिकल वेरिएशन होता है पूरा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम क्या, हमारी आदत हो गई बेड स्विच लगाने की, उस स्विच से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बीच में आप बैठे हो, वहीं सो रहे हो, बिल्कुल यही होता है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आपके सेल्स डैमेज होते जा रहे हैं। तो उससे, उसके लिए भी हमने एक एक्सपेरिमेंट यही करा था कि यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेरिएशन को हमने ये गोबर के साथ किया, कि जब हमने गोबर के साथ, क्योंकि यहाँ बिजली का कुछ कनेक्शन नहीं है, नहीं तो दिखाता मैं स्विच बोर्ड से, तो ये इसको बिल्कुल जीरो कर देता। अच्छा, ये बताने का क्या पर्पस हुआ? इसका पर्पस ये है कि अब क्या है कि देखो हम लोग बोलते हैं कि गाय का गोबर किसी काम के लिए, जबकि हमारे शास्त्रों में बोला गया गोमय वस्ती लक्ष्मी, गाय में लक्ष्मी का वास है। हाँ, बिल्कुल। तो इसी को दिमाग में लगाते हुए हमने ये चिप बनाई, तो हमारे लिए लक्ष्मी आई, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप गूगल में सर्च कीजिए कि जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो उसके 1 माइल के दूर पे एक परिवार था, जो वो परिवार था वो गाय के गोबर की लिपाई करता था और धुनी करके उसमें सो जाता था हवन, ठीक है। ठीक है,
खुशवाहा फैमिली, आप देखिए उसके अंदर खुशवाहा फैमिली, तो आप देखा वो सिर्फ एक माइल की दूरी पर था, जबकि 10 माइल तक उस भोपाल गैस ट्रेजेडी का कांड हुआ था, कुछ भी नहीं बचा था। वो फैमिली के चारों मेंबर्स बिल्कुल सुरक्षित बाहर आए थे। अच्छा। और जैपनीज जापान से लोग यहाँ पर आए थे देखने के लिए कि इतनी गंदी गैसेस के बीच में भी ये लोग सर्वाइव कैसे करें। तो पता चला कि उनका कुछ नहीं था, मच्छर की वजह से वो धुनी करते थे गाय के गोबर की, धुआं करते थे, वो धुआं उनके अंदर था, गाय के गोबर की लिपाई कर रखी थी उन्होंने अपनी, क्योंकि गरीब थे तो वो गोबर से लिपाई करते थे, तो उसकी वजह से कोई भी गैसेस का प्रभाव उनकी बॉडी पे नहीं आया। अच्छा। और ये आप गूगल में देखेंगे आपको सारे डिटेल मिलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो एक धर्म के चक्कर में, क्योंकि उन्होंने एक कुंड बनाया हुआ था वो करा, तो इस चीज़ को प्रोपेगेंडा नहीं किया गया। अच्छा। और आज यही कहते हैं कि इवन जापान में जिस समय ये उनका न्यूक्लियर या न्यूक्लियर का वहाँ पे हुआ था हिरोशिमा नागासाकी में, तो उन्होंने भी अपने न्यूक्लियर प्लांट्स के अंदर गोबर की लिपाई करनी शुरू कर दी। अच्छा। ताकि वो एंटी रेडिएशन, एंटी रेडिएशन हो जाए। तो सिर्फ ये गाय का गोबर ही है जो हमारे को एंटी रेडिएशन से बचाता है। बहुत ही अच्छी चीज है। जैसे ये प्रोडक्ट्स है ना गाय के गोबर से बनाए कागज, तो हमारे डेस्क पे ऑफिस वगैरह में होते हैं, डेस्क के ऊपर कितना रेडिएशन होता है, फोन्स होते हैं, ये सब से गैजेट्स होते हैं, तो अगर हम ये चीजें रखेंगे तो वो भी एंटी रेडिएशन का काम करेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा ये इसके इतना इसका यूसेज ये है। दो काम होंगे, हमारी गाय बचेगी, हम गौ में से कागज बनाएंगे, एंटी रेडिएशन का काम होगा, ये उसका सोल्यूशन है हमारे पास। सही बात है, जो पेड़ काटने का सोल्यूशन है वो यही है। अच्छा। देखो आप 6th क्लास तक के बच्चे को पेपर भी देते हैं और पेंसिल भी देते हैं। हाँ। और वो कागज कहाँ से आता है? पेड़ से आता है। तो एक टन कहते हैं कि अगर आपको एक टन कागज बनाना है तो उसके अंदर 7 बड़े पेड़ काटे जाते हैं। सही बात है। और गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि पेंसिल के बगैर बच्चा लिखेगा नहीं। हाँ। उसकी लकड़ी कहाँ से आएगी? पेड़ से आएगी। तो इसीलिए इन कागज और इसका पेंसिल का यूज किया है कि अगर आपको बच्चे को देना है तो ये दो पेंसिल दो उसको, पेंसिल से इससे लिखेगा, पेड़ तो नहीं कटेगा। हर घर में अगर ये पहुंच गया तो पेंसिल के कारण जो पेड़ कट रहे हैं वो कटने बंद होंगे। वायु प्रदूषण से जो आज हम दुखी हो रहे हैं, तो वायु प्रदूषण का हमारे पास सोल्यूशन क्या है? पेड़ ही तो है, पेड़ को बचाना चाहिए। इसलिए ये सब हमने बहुत बहुत ही अच्छा लगा, यूनिक चीज देखिए।